खेल की दुनिया में रफ्तार की बहुत बड़ी अहमियत है। सबसे तेज स्विमर्स या रनर्स को ही गोल्ड मेडल दिया जाता है। व्यक्तिगत खेलों में फॉर्म्यूला वन रेसर्स सबसे ज्यादा प्राइज मनी जीतते हैं, और टीम स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल वगैरह, इनमें भी स्पीड ही सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और क्रिकेट में फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 50 वगैरह, ऐसे आंकड़े तो हर मैच में दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ मैच में सबसे तेज बॉल किसने डाला। अब जहां रफ्तार की बात चल रही है, तो दोस्तों जल्दी से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस शो में, जिसका नाम है मिड विकेट टेल्स। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. भारत की आबादी अब 1 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। लाखों करोड़ों लोग भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का सपना देखते हैं, लेकिन भारतीय टीम में जगह पाना बहुत ही मुश्किल काम। हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए 80 साल से ऊपर हो गए हैं, और अब तक 300 से भी कम खिलाड़ियों को ये मान मिला है। लेकिन अगर आप लगातार 140 किलोमीटर या इससे भी ऊपर की रफ्तार से गेंदबाजी कर लेते हैं, तो ये काम आसान तो नहीं, पर शायद है आपकी टीम में घुसने की संभावना बढ़ सकती है। हमने लगातार बढ़िया बल्लेबाज खिलाए हैं, विश्व स्तरीय के स्पिनर्स को भी एक के बाद एक पैदा किया है। अफसोस के आक्रामक गेंदबाज पैदा करने में हम काफी हद तक असफल रहे। आज हम बात करेंगे उन चुनिंदा पेस बॉलर्स के बारे में, जिन्होंने भारतीय टीम में नई बॉल से गेंदबाजी करने का जिम्मा लिया और अपनी रफ्तार और स्विंग के प्रदर्शन से विश्व भर में नाम कमाया। ১৯৩০ के दशक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अनकवर्ड पिचेस पर खेला जाता था, और इन पिचों पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलती थी। प्रभावशाली थे तो फास्ट बॉलर्स। दुनिया भर में, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हो या वेस्ट इंडीज, तेज गेंदबाजी का ही बोलबाला था। 1932 में भारत की टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार कदम रखा। दौरे में 26 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जाने थे और एक टेस्ट। 18 सदस्यों की टीम चुनी गई थी। किसी के नाम के सामने ओपनिंग बैट्समैन लिखा था, किसी के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 2 विकेट कीपर थे, बाकी मीडियम पेस या फास्ट बॉलर्स। भारत ने इंग्लैंड में कई काउंटी टीमों के साथ मैच खेले, और इनमें हमारे 2 न्यू बॉल बॉलर्स उभर के आए, मोहम्मद निसार और अमर सिंह। मोहम्मद निसार और अमर सिंह, बॉल 6.5 फीट, ब्रॉड शोल्डर, बिग चेस्ट। निसार पंजाब से थे, होशियारपुर, फारुखाबाद एक्सप्रेस नाम थे, रियल एक्सप्रेस स्पीड बॉलर थे, अच्छे हट्टे कट्टे थे। ही यूज्ड टू हिट द डेक वेरी हार्ड, ब्रूट पेस था। उन दिनों स्पीड गन तो थी नहीं, तो ये नहीं पता है कि 150 की थी या 140 की थी, लेकिन तेज जरूर थे। और अमर सिंह भी, हालांकि कहते हैं कि फास्ट मीडियम, लेकिन मुझे याद है कि नेविल कार्डिस की मैंने किताब पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि उनकी गेंद जो पिच पे बाउंस होने के बाद लाइक बुलेट शॉट, एक जैसे गन से बुलेट निकलती है, उस तरह से उठती थी पिच से। ही वाज आल्सो टॉल, ब्रॉड शोल्डर था, लेकिन अमर सिंह का जो कोर कॉम्पिटेंसी था बॉलिंग का, वो था मूवमेंट। ही कुड स्विंग द बॉल बोथ इन एंड आउट, and he was tall, so ball came from the height, and he was medium fast. Amar Singh was not more than 125-130, he was more medium pace swing bowler, but Nisar was raw, Nisar was fast. Ek pace tha, dusre ka swing tha, jab ye dono ek saath khelne aaye, so they used to complement each other. 25 June 1932, Bharat ne apna pehla test match khela. कप्तानी की डोर संभाले हुए थे कर्नल सी के नायडू और इंग्लैंड के लिए डगलस जार्डीन।
मेजबान टीम के लिए बैटिंग ओपन करने आए पर्सी होम्स और हर्बर्ट सटक्लिफ। महज 10 दिन पहले इस जोड़े ने यॉर्कशायर की ओर से खेलते हुए 555 रन का पहाड़ खड़ा करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओपनिंग पार्टनरशिप का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। नायडू ने नई गेंद सौंपी मोहम्मद निसार और अमर सिंह के हाथ में। First half an hour, England 19 for 3. Out comes the stump. Sutcliffe gone. And that's out. Hobbs gone. He's gone, he's run out. Woolley gone. Captured the imagination of the world. He kahan se aaya boss? Where are these people coming from? Lords mein, जो दर्शक आए थे या ड्रेसिंग रूम में, इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में जो क्रिकेटर्स थे, उन्होंने कभी अपने ख्वाबो ख्याल में ये नहीं सोचा होगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जाके इंडिया के तेज गेंदबाजों के सामने इस तरह इतनी बुरी तरह से लटक जाएंगे, लेकिन वैसे ही हुआ। जार्डिन सेड 10 साल में इंडिया विल बिकम वन ऑफ द मेजर टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि वो नहीं हुआ। हैविंग सेड दैट, अगर निसार का वो स्पेल नहीं होता, ये 5 विकेट नहीं लेते पहला टेस्ट मैच में, इंडिया वुड नॉट हैव कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, इस मैच में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, पर अभी भारत इस स्तर पर क्रिकेट में प्रवेश कर ही रहा था, और वो भी उस देश के खिलाफ जिसके हम गुलाम थे। उनको अपने खेल से प्रभावित करना ही बड़ी बात थी, और ये हमारे फास्ट बॉलर्स मोहम्मद निसार और अमर सिंह ने बखूबी कर दिखाया। इंग्लैंड के दौरे के बाद दोनों ने वापस लौट के घरेलू क्रिकेट में खेलना पुनः शुरू किया। 1934 में शुरू हुई रणजी ट्रॉफी में अमर सिंह नवानगर के लिए खेले थे और निसार सदर्न पंजाब के लिए। दोनों खिलाड़ियों ने लोकप्रिय बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में टीमें धर्म के आधार पर बांटी जाती थी। अमर सिंह हिंदूज के लिए खेलते थे क्वाड्रेंगुलर, बाद में पेंटेंगुलर के, और मोहम्मद निसार मुस्लिम्स के लिए खेलते थे। निसार जेंटलमैन बोल रहे थे, उनका कैप्टन ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि बैट्समैन को बोल एट हिम टू हर्ट हिम टू स्केयर हिम। निसार सेड नहीं, मैं विकेट लूंगा, बैट्समैन को नहीं मारूंगा। ही वाज़ अ जेंटलमैन बोलर, ही वाज़ प्रॉबली मोस्ट पॉपुलर, यू नो द क्राउड लव्ड। स्टार्ट लेते थे सो द क्राउड वुड स्टार्ट चैंटिंग एज सून एज ही टुक हिज रन। अमर सिंह एक ऑलराउंडर के रूप में भी उभर के आए। रणजी ट्रॉफी में 1000 रन और 100 विकेट्स का डबल प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे। आई वॉच्ड अमर सिंह इन 1933 इन द क्वाड्रेंगुलर्स। ऑफ कोर्स आई वाज 14 और 15 इयर्स ओल्ड, बट वुड रैंक एज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज प्रोड्यूस। बट ही वाज आल्सो ए हार्ड हिटिंग बैट्समैन। बैटिंग का जो हाथ था वो, अमर सिंह वॉज अ बेटर बैट्समैन देन निसार। ४९ तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 से ऊपर विकेट ले चुके थे जब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनका देहांत हुआ। अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 30 उन्होंने कहीं पे, सुना जाता है कहीं पे गए थे एक दोस्त के घर, वहाँ पे स्विम कर रहे थे तो तैरने के बाद जो वापस आए तब उनका न्यूमोनिया हो गया थे, फिर एट द एज ऑफ 30 ही डाइड। ४९ में भारत को आजादी मिली, देश दो टुकड़ों में बट गया और काफी अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स सरहद के उस पार पाकिस्तान चले गए। निसार पाकिस्तान में चले गए, इंडिया के लिए कभी खेला नहीं, और उनका जो उम्र था उस एज में वो पाकिस्तान के लिए भी खेल नहीं पाते। मोहम्मद निसार और अमर सिंह के बाद कई सालों तक कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग स्टार निकल के सामने नहीं आया जो युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा दे सके, रोल मॉडल बन सके। हमारे सभी युवक बैट्समैन या स्पिनर्स बनना चाहते थे। बस एक ही विख्यात पेस बॉलर आए थे जिन्होंने अकेले कुछ सालों तक नई गेंद का भार संभाला, रमाकांत टाइनी देसाई।
रमाकांत देसाई बहुत छोटा था, जो फास्ट बॉलर होते हैं ना वो टाइम के जो फास्ट बॉलर थे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के, ऊपर 6-6.5 फीट, इतना ब्रॉड शोल्डर चेस्ट एंड ऑल दैट, तो ये इतना छोटा था, एकदम छोटा स्किनी, तो टाइनी, उसको टाइनी नाम रखे। Everybody enjoyed Ramakant Desai's bowling. His beautiful run-up. He was thin man, but his pace was good. Very good pace and very accurate bowler. Shivai Park में बहुत tennis ball matches होते हैं। तो एक बुजुर्ग journalist वहाँ से जा रहा था, उसका नाम G.K. Menon। तो उसने देखा एक सब के ball बाजू में से गया, cross कर दिया। Tennis ball था। बाजू में बैठ के जरा देखा उन्होंने। तो बैट्समैन को बॉल दिखता ही नहीं था, बट टेनिस बॉल जोर से डालने का विद क्लीन एक्शन इतना आसान नहीं है। 1958-59 में जेरी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई। बॉम्बे में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के विरुद्ध उनका एक फर्स्ट क्लास मैच था और रमाकांत देसाई को CCI की ओर से खेलने के लिए चुना गया। रणजी ट्रॉफी नहीं खेले थे बॉम्बे के लिए, तो भी CCI में खिलाया, कुछ 4 विकेट निकाले, उसमें उन्होंने रोहन कनाई को बोल्ड निकाला। अभी फास्ट बॉलर हमारे पास थे नहीं, उसमें एक लड़का आता है 19 साल का और 4 विकेट निकाल के लेके जाता है, इमीडिएटली उसको वेस्ट इंडीज के सामने टेस्ट मैच खिलाया, पाकिस्तान के सामने खिलाया। तो हनीफ मोहम्मद बहुत फेमस उस टाइम में ट्रिपल सेंचुरी बना के आया था, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन करके उस समय में उसका नाम था। रोहन स्टेडियम 1960 में देखा हो। रमाकांत जब उस टेस्ट मैच में उसने उसको जब बैटिंग में आया तो उसको उसने पहले ओवर में स्लिप में कैच करके बाउंसर, उसने 2-4 बाउंसर डाले तो हड़बड़ा गया, इनफैक्ट उसकी कैप भी गिर गई। जो बनी बोलते हैं ना वैसा हो गया था, हनीफ उसको खेल नहीं पाता था। देसाई ने अपने पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 49 ओवर डाले थे और ये उनके करियर का मानो पैटर्न ही बन गया था। वो बस बॉल डालते ही रहते थे, खास तौर से विदेशी दौरों पर। उनका बोझ हल्का करने वाला और उनके साथ नई गेंद का दारोमदार संभालने वाला कोई और नहीं था। जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किए तो वन मैन शो हो गया, जहां तक तेज गेंदबाजी का सवाल है, तो अक्सर देखा गया कि 20-25-30 ओवर उन्हें अकेले डालने पड़े क्योंकि अदर एंड से कोई सपोर्ट ही नहीं था। अगर एक ही बॉलर है तो बाकी सपोर्ट के लिए कौन है, एक बॉलर पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। टाइनी देसाई काफी देर तक उन्होंने बहुत कोशिश की कि तेज गेंदबाजी रहे और 2-3 सफल सीरीज भी उन्हें मिली, लेकिन आप देखें कि 29 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट उन्होंने लिया 29 साल की एज में, जब माना जाता है कि गेंदबाज, बल्लेबाज तो है ही लेकिन गेंदबाज भी अपने पीक पर पहुंच रहा है, अपने उरूज पर, तेज गेंदबाज भी, उसी एज पर उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। बर्नआउट होके रमाकांत देसाई 29 की उम्र में ही क्रिकेट से रिटायर हो गए। उन्होंने बॉम्बे के लिए रणजी ट्रॉफी में 53 मैचेस खेले और 15.61 की औसत से 239 विकेट लिए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद घरेलू क्रिकेट में अब कोई भी तेज गेंदबाज नहीं रहा, कोई प्रोत्साहन भी नहीं था पेस बोलर्स के लिए, ना पैसे होते थे, ऊपर से फ्लैट बेजान विकेट्स पे खेलने पर मजबूर। फास्ट बोलर को जितनी मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत, और इट्स अ बैक ब्रेकिंग जॉब, आसान नहीं है, आप लगातार भागते रहे, ना सिर्फ मैचेस में लेकिन नेट प्रैक्टिस में भी, अगर आपको तेज गेंदबाजी करना है तो कम से कम 4-5-6-8-10 माइल भागना पड़ेगा आपको 2-3 घंटों में। बाकी स्पिनर बनने के लिए या बैट्समैन बनने के लिए तकनीक की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जो फिजिकल मेहनत होती है, एथलेटिसिज्म की, जो भाग दौड़ की, फिटनेस की, वो कमी रहती है। हमारे अब जो फिजिक है, जो बिल्ट है, भारतीय बिल्ट जो है वो भी है कारण, शायद डाइट का भी लेना है इसमें, वेदर का भी लेना है, और बहुत बड़ा कारण मैं सोचता हूँ विकेट्स का, भारतीय विकेट्स का, क्योंकि वो इनक्रेज नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते कि आप फास्ट बॉलिंग करें। और स्वाभाविक जो अपब्रिंगिंग थी खास करके इंडिया में, वो ये थी कि आप बड़े पोलाइट रहें, आप थोड़े से नर्म रहें,
अग्रेशन या आक्रामक अपनी आक्रामक पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। फास्ट बॉलिंग का कोई ट्रेडिशन ही नहीं था एट दैट पॉइंट इन टाइम। बाबू नादकर्णी वुड कम एंड बॉल एक के बाद एक मिड ओवर, देसाई वुड कम एंड बॉल अ फ्यू ओवर्स एंड देन टॉस द बॉल टू द स्पिनर्स। दैट यूज्ड टू कंटिन्यू टू द 1960s आल्सो। राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एवरीबॉडी यूज्ड टू रोल द बॉल जल्दी पुराना हो जाए। सो व्हेन ए फास्ट बॉलर सीज दिस तो उसका भी इंटरेस्ट क्या रहेगा। एक टूर था इंग्लैंड का जहाँ दो विकेट कीपर हम ले गए थे, एक थे फारूक इंजीनियर और एक थे बुद्धि कुंदरन। अखबार वालों को बताया गया कि हमारा ओपनिंग अटैक होगा, बुद्धि कुंदरन ओपन करेंगे। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप क्या बोल करते हैं, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में, आई डोंट नो, आई हैव टू बोल टू फाइंड आउट। गावस्कर ने हमारी बॉलिंग ओपन की है, हमारे विकेट कीपर ने बॉलिंग ओपन की है। तो फास्ट बॉलिंग तो ना के बराबर थी। फास्ट बॉलिंग की कमी का भारतीय क्रिकेट पर दोतरफा असर पड़ा, गेंदबाजी के साथ साथ हमारी बल्लेबाजी पर भी। घरेलू क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग खेलने की आदत न होने की वजह से विदेशी दौरों में हमारे बल्लेबाजों को फास्ट बॉलिंग से परेशानी होती थी। हालात तो इतने खराब थे कि बीसीसीआई ने 1962-63 में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए 4 वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स को आमंत्रित किया और उन्हें सेमीफाइनल्स में पहुंची 4 टीमों में बांटा गया। अगले लगभग 1.5 दशक तक बेदी प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन, इन 4 स्पिनर्स के गुट ने भारतीय टीम की गेंदबाजी का कार्यभार संभाला। फिर भारतीय क्रिकेट में एक नया सवेरा आया। हमें एक ऐसा फास्ट बॉलर मिला जो न केवल खुद चोटी का तेज गेंदबाज साबित हुआ बल्कि जिसने आने वाली पीढ़ियों को चोटी तक पहुंचने की प्रेरणा दी। 1970 का दशक तकरीबन खत्म हो रहा था और विश्व भर में फिर से फास्ट बॉलिंग का दौर चल रहा था। रफ्तार नापने की टेक्नोलॉजी नई नई थी और ऑस्ट्रेलिया के जेफ थॉमसन ने 100 मील 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर बाकी सब गेंदबाजों के सामने एक चुनौती रख दी थी। लेकिन भारत में तो क्रिकेट प्रेमियों ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारे पास भी कभी एक चोटी का फास्ट बॉलर आएगा। लेकिन फिर प्रवेश हुआ कपिल देव का। कपिल देव एक चैंपियन के सारे गुण लेकर आए थे और छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का संकेत दे दिया था। मेरे ख्याल से मिड 1970s की बात है जब वो अंडर 19 कैंप में बंबई आए थे और वहां पर जब आउटसाइड ऑफ प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस के बाद खाना खाने बैठे और उनको थोड़ी सी दाल और सब्जी और 2 चपाती खाने को मिली तो उन्हें लगा कि ये तो भाई मेरे शरीर के लिए इनफ नहीं है और उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि भाई मैं तो फास्ट बॉलर हूँ। वो थे चंडीगढ़ से, पंजाबी थे, एंसेस्ट्रली वेस्ट पाकिस्तान से थे। केकी तारापुरे उस कैंप के मैनेजर थे तो उन्होंने केकी तारापुर से कहा कि भाई मुझे और कुछ खाने के लिए चाहिए। तो केकी तारापुर ने कहा भाई आप खाने के लिए और क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं फास्ट बॉलर हूँ और मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि फास्ट बॉलिंग इज नॉट नेचुरल टू अ ह्यूमन बॉडी, यू हैव टू बिल्ड टुवर्ड्स इट, यू नीड टू हैव अ फिजिक टुवर्ड्स इट। तो केकी तारापुर ने उनसे कहा कि भाई इंडिया में फास्ट बॉलर्स होते ही नहीं है। कपिल देव ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन दिया और चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि 1978 में उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय टीम में शामिल करें। उनके जैसा तो कोई भी नहीं था जो पेस से बॉलिंग कराए, जो बॉल को दोनों तरफ घुमाए। कपिल ने ही पहला या पहली बार ये दर्शाया कि तेज गेंदबाज बनने के लिए और एक लंबा करियर होने के लिए फिटनेस की बहुत जरूरत है, एथलेटिसिज्म। कपिल देव वाज अ नेचुरल एथलीट। मेरे को लगता है अगर क्रिकेट नहीं खेलता था ना तो 100 मीटर्स में वो नंबर वन आता था बिकॉज हिज स्प्रिंटिंग वाज अनबिलीवेबल। आई नेवर सॉ एनी फास्ट बॉलर स्प्रिंट दैट गुड। लाइक वो आपके बगल से दौड़ के चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कपिल भारत के लिए लगातार 16 साल खेले। इस दौरान उन्होंने फिटनेस या इंजरी की वजह से कभी भी मैच मिस नहीं किया, एक बार भी नहीं। बल्कि एक बार, ये 1981 की बात है और मैच मेलबर्न में खेला जा रहा था, उनको मैच के बीच में हैमस्ट्रिंग में तकलीफ हुई। ये इस श्रृंखला का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच था और भारत 0-1 से पीछे था। भारत पहली इनिंग्स में 182 रन से पिछड़ा हुआ था और हमारे ओपनर्स मैच में रहने की भरपूर कोशिश कर रहे थे।
कपिल देव पहले से ही इंजर्ड थे और बैटिंग करने आए, अपने नियमित क्रम से काफी नीचे रनर के साथ, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो जल्दी आउट हो गए और भारत की इनिंग्स 324 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को केवल 143 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और श्रृंखला पर 2-0 से कब्जा करने के लिए। अगले दिन पेन किलर्स खाकर कपिल मैदान में उतरे। श्रृंखला 1-1 से बराबर हुई। पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया से नाबाद लौटी। कपिल ने सिर्फ एक बेहतरीन बॉलिंग स्पेल नहीं डाला, पर एक ऐसा रवैया दिखाया जिससे भारतीय टीम प्रेरित हुई। टीम ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी भी। कपिल देव की इसलिए जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने भारत में विदाउट एनी सपोर्ट, विकेट्स का भी सपोर्ट नहीं और दूसरे छोर से भी कोई गेंदबाजी का सपोर्ट नहीं, उसके बाद उन्होंने 400 से अधिक विकेट लिए। मैंने कपिल देव को देखा आवर्स आफ्टर आवर्स बॉलिंग करने के लिए। अब कितना भी टैलेंट हो जाओ, यू हैव टू बॉल एट द राइट प्लेस, एम करना पड़ेगा सर, यू हैव टू बॉल देयर, प्रैक्टिस देयर, मेहनत बड़ी करो, वेरी हार्ड वर्क। उस बंदे ने कभी, आप इमेजिन नहीं करोगे, नेट में नो बॉल नहीं किया। इवान थ्रू आउट हिज करियर कभी रन आउट नहीं हुआ। फास्ट बॉलर, वर्ल्ड चैंपियन, रोल मॉडल, भारतीय क्रिकेट में कपिल देव का महान योगदान रहा है। 1983 वर्ल्ड कप से कुछ महीनों पहले 24 वर्षीय कपिल देव भारतीय टीम के कप्तान बने। बतौर लीडर कपिल ने आगे से मोर्चा संभाला और खुद के प्रदर्शन से टीम के बाकी सब खिलाड़ियों को प्रेरित किया। वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज की टीम ने जब भारत को 183 रन पे आउट कर दिया तो कई खिलाड़ियों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। कपिल का क्योंकि एक हरदम एक इंटेंट पॉजिटिव था, तो मीटिंग में वह ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं लेते थे, लेकिन ये कहते लेट्स एंजॉय द गेम, बाकी वी विल टेक इट एज इट कम्स, सो गिव योर बेस्ट, एंजॉय योर गेम, वर्क लाइक अ स्लेव एंड लिव लाइक अ किंग। उसे एक याद ने, उसने एक पूरी जनरेशन को क्रिकेटर्स बना दिया कि सभी वो छोटे छोटे बच्चे जो शायद उस समय 8, 9, 10, 12 साल के थे, सबको लगने लगा कि मैं भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूँ, मैं विश्व का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बन सकता हूँ, कपिल देव निखंज ने अगर कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। कपिल को हमेशा विश्वास था कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, चाहे कितना भी छोटा स्कोर हो, उसको डिफेंड करना संभव है अगर खिलाड़ी जी जान से मेहनत करें तो, और ये वो खुद करके दिखाते थे। शारजा में भारत पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहा था और भारत की पूरी टीम केवल 125 रन पर आउट हो गई थी। कपिल ने हार न मानते हुए एक और जादुई स्पेल डाला और पाकिस्तान की बैटिंग को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया। और ऐसे स्पेल्स कपिल ने अपने करियर में बार बार डाले। देश के सभी बच्चे और युवक कपिल देव बनना चाहते थे। वी ग्रू अप वॉचिंग कपिल देव एंड यू नो दैट वाज आवर एब्सोल्यूट पैशन, यू नो वी शुड बोल लाइक, आई वांट टू बोल लाइक कपिल देव, द वे ही यूज्ड टू स्विंग द बॉल, द वे ही यूज्ड टू मूव अराउंड इन द फील्ड, यू नो लाइक दैट एलिगेंस। उस समय में बनना भी कपिल देव ही चाहता था, तो फास्ट बॉलिंग करता था, फास्ट नहीं मीडियम फास्ट, कहाँ फास्ट पहुंचती नहीं होगी बॉल, लेकिन आदतें वैसी थी, वही हरकतें जो कपिल देव ने जाते हुए पीछे गेंद को पकड़ना, मिड ऑफ से पकड़ते थे फिर मुड़ते थे डालते थे, बल्लेबाजी भी उसी तरीके से करने की कोशिश करना। उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ कर लेने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, उसके अंदर कोई अहम या अहंकार नहीं था। When I went to Australia and पाजी के साथ रूम शेयर करने लगा तो पाजी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सुब्बू चाय ले, यू नो, तो दिस इज ही ऑफर्ड द टी टू मी, आई सेड आई वाज सो ह्यूमिलेटेड, लाइक आई वाज सो अशेम्ड दैट यू नो अ मैसिव प्लेयर लाइक हिम इज ऑफरिंग मी टी एंड यू नो आई एम जस्ट स्लीपिंग। नेक्स्ट डे मैं सीधा पहले उठ गया पाजी से पहले, मैं पाजी चाय बनाऊँ अभी नहीं बाद में, यू नो आई वाज लाइक ही वाज सच अ लेजेंड एंड ही लुक्स आफ्टर यू वेरी वेल। कपिल देव एक लंबे समय तक भारतीय टीम में बने रहे।
उन्होंने टीम को कई सुनहरे पल दिए और कई बार हार के जबड़ों से भारत को निकाला। 1994 में जब वो रिटायर हुए तो 434 टेस्ट विकेट्स का कीर्तिमान उनके नाम था। उनके 5000 से अधिक रन और आक्रामक बैटिंग के बारे में तो आज बात ही नहीं की। कपिल देव शायद भारत के इतिहास में सबसे बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं। 2002 में उन्होंने सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का खिताब भी हासिल किया। क्रिकेट प्रशासकों को अब विश्वास हो गया था कि अगर खिलाड़ियों को सही माहौल दिया जाए तो यकीनन कई और विश्व स्तरीय फास्ट बॉलर मिल सकते हैं। 1987 में BCCI ने दुनिया के महानतम फास्ट बॉलर में से एक डेनिस लिली, जो अपनी किताब द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग के लिए भी मशहूर थे, उन्हें भारत बुलाया। विकेट कैसे लिया जाता है, डिफरेंट कंडीशन में कैसे बॉलिंग किया जाता है, सिचुएशन अवेयरनेस, यू नो बॉल का कंडीशन चेंज हो रहा हो तब कैसे वेरिएशंस, वो मैं एक्चुअल बॉलिंग जो है मैं MRF में सीखा। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी देन है, मैं मानता हूँ कि फॉर इंडियन क्रिकेट की, एक वो होराइजन पे एक फास्ट बॉलर्स ये करके एकेडमी चालू करके उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया और उससे बहुत लोगों ने बेनिफिट किया और इंडियन क्रिकेट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उनका योगदान रहा है इसमें। MRF पेस फाउंडेशन ने जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद जैसे पेस बॉलर्स को तैयार किया जो 90 के दशक में हमारी तेज गेंदबाजी के स्तंभ थे। इसकी अगली पीढ़ी में जहीर खान, इरफान पठान, मुनाफ पटेल, RP सिंह और श्रीशांत जैसे गेंदबाज तराश के निकाले गए। 1987 में MRF पेस फाउंडेशन चेन्नई में स्थापित हुआ और कई सारे फास्ट बॉलर्स को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से तैयार किया गया। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगुली भी MRF पेस फाउंडेशन गए थे। शुक्र है उनको बल्लेबाजी पर ही फोकस करने को कहा गया। इस एकेडमी को पहली सफलता हाथ लगी जब मैसूर निवासी जवागल श्रीनाथ उभर के आए। '90 में भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे के लिए तैयारी कर रही थी और श्रीनाथ को नेट्स में बोलिंग करने के लिए भेजा गया। दिलीप वेंगसरकर वाज बैटिंग, बेडी चक द बॉल टू हिम, आई सेड आर यू गोइंग टू बॉल, आई सेड यस सर, ही केम। And the first time I saw a bowler bowl that quick in India. He bowled a bouncer, it came straight and hit the handle of the Vengsarkar and the bat flew off. And Dilip Bhai was like very annoyed that time. Because in a nets and you came and just started bouncing. He was not prepared. Ki the bowler kya dalta, pehla hi ball bouncer dala. So Dilip Bhai said that don't bowl bouncer. Other than bouncer bowl or whatever. Second ball he bowled straight a Yorker. Because he wanted to avoid the bouncers, he wanted to pitch it up. So pitch it up, ball went straight to his toe. It crushes his toe. तो श्रीनाथ जब आए तो ऐसे लगा कि genuinely fast bowler इंडिया में आया है। मोहम्मद निसार के बाद शायद वो quickest माने जाते थे। कपिल देव भी जो थे वो fast medium थे। श्रीनाथ genuinely quick, तेज गेंदबाज। अगर आप स्पीड गन से अगर आप देखें अगर तो शायद 145, 147 की गति से कर सकते थे। चार बॉल उन्होंने 130 पे डाला, 135 पे डाला, लेकिन दो बॉल 140-145 में डालेंगे तो वो किसी को नहीं पता था कौन सा बॉल होने वाला है। वाइड ऑफ द विकेट, वाइड ऑफ द क्रीज जाके वो ज़्यादा इन डिपल्स डालते थे। नेचुरली उनका इन स्विंग था, जैसे कपिल देव का नेचुरल गेंद जो था वो आउट स्विंग था, इनका इन स्विंग था। और उन्हें एक्चुअली आउट स्विंग करना आता ही नहीं था, बहुत अरसे के बाद उन्होंने सीखा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले 2-3 साल श्रीनाथ ने केवल ओवरसीज टेस्ट खेले जब टीम में एक तीसरे पेस बॉलर को शामिल किया जाता था। जब कपिल देव रिटायर हुए 1994 में तो उनको आखिरकार घरेलू टेस्ट में खेलने का मौका मिला। उन्होंने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 5 विकेट्स लिए और दूसरी पारी में 60 रन भी बनाए, भारत को जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। इसके बाद घरेलू जमीन हो या विदेशी, श्रीनाथ भारत के बॉलिंग स्पीयरहेड थे और उन्होंने कई शानदार स्पेल डाले। कई बैट्समैन उनके फास्टर वन को झेल नहीं पाते थे और आउट हो जाते थे।
नेचुरल एबिलिटी श्रीनाथ की जो है वो बहुत अच्छी है, और वो एक मैं समझता हूँ कि उनको उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बॉलिंग के बारे में बहुत उनको पता थे। 1999 के वर्ल्ड कप में स्पीड गन्स हर गेंद की गति मापने के लिए प्रयोग में थी। श्रीनाथ का शोल्डर ऑपरेशन हो चुका था और सबका ये मानना था कि अब श्रीनाथ की रफ्तार पहले जैसे नहीं होगी, लेकिन टूर्नामेंट में वो तेज गेंदबाजी में केवल पाकिस्तान के शुएब अख्तर से पीछे थे और साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा से आगे। जवाहरलाल श्रीनाथ और मैं लगभग एक ही समय यू नो सीन पे आए, 1990 की मैं समझता हूँ कि वो बात है जब मैं दुलीप ट्रॉफी में पहली बार सेंट्रल जोन से आया और वो साउथ जोन से थे। हमारा फाइनल्स था हैदराबाद में, शाम को हम एक डिनर पे हमको कहीं इन्वाइट किया गया था और वहाँ श्रीनाथ और हम लोग बात कर रहे थे एज यू नो फास्ट बॉलर्स बोथ कमिंग एट द सेम टाइम। और तब उसने मुझे कहा हुई चीज़ मुझे अभी भी याद है, बिकॉज वो इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय, तो उसने कहा कि भाई मेरा करियर तो सेट है, मैं इंजीनियर करूँगा और मुझे US जाना है, यू नो मेरा वो ड्रीम है, मैं US जाना है, ये मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ठीक है, यू हैव अ करियर इन क्रिकेट, दैट्स वॉट उन्होंने मुझे कहा, वो अभी भी याद है। ऑफकोर्स इट्स टर्न आउट दैट यू नो ही हैड अ ग्लोरियस करियर बिकॉज एज अ फास्ट बॉलर डेफिनेटली आई रेट हिम वेरी हाई। श्रीनाथ ने किसी भी अन्य भारतीय तेज गेंदबाज से ज्यादा 4 वर्ल्ड कप्स में हिस्सा लिया। 2003 में उन्होंने भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया और इसके बाद रिटायर हो गए। कपिल देव के बाद वो दूसरे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट्स लिए हैं और एक दिवसीय मैचेस में 300 से ऊपर विकेट लेने वाले वो इकलौते भारतीय तेज गेंदबाज हैं। क्या वगैरह श्रीनाथ अन्य तेज गेंदबाजों से बिल्कुल विपरीत थे, मैंने उनको कभी भी अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज या स्लेजिंग करते हुए नहीं देखा जो आमतौर पर तेज गेंदबाजों की आदत होती है, और फिर भी वो भारत के इतिहास में शायद फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं। श्रीनाथ के करियर के अंतिम पड़ाव में उनके न्यू बॉल पार्टनर थे एक ऐसे खिलाड़ी जो एक छोटे शहर से उभर कर आए और कड़ी मेहनत करके उच्च कोटि के फास्ट बॉलर बने। कपिल देव से प्रेरित होकर 80 और 90 के दशक में देश के कोने कोने में बच्चे फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। इनमें से एक थे जहीर खान। 1978 में उनका जन्म हुआ और उनके क्रिकेट का सफर शुरू हुआ औरंगाबाद के पास श्रीरामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे से, और कपिल देव के बाद ये भारत के लिए सबसे सफल पेस बॉलर बने। His mother, she was a school teacher, and his father was a photographer. He started performing for my club, and then he was that time 17 years old. I sent him to MRF. Dennis Lilly told him he is our number one bowler and we must concentrate on him. सन 2000 में जहीर खान आए और ये बड़ा एक ब्रेकथ्रू मोमेंट था इंडियन क्रिकेट के लिए। एक तो बाएं हाथ की गेंदबाज थे और उनके पास गति थी जो पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा जब वो डंडे उड़ाए ऑस्ट्रेलिया की टीम के और न्यूजीलैंड टीम के। क्योंकि जहीर ने क्रिकेट काफी देर से खेलने शुरू की, आए दिन चोट से जूझना स्वाभाविक था। उन्हें कई बार शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारतीय टीम में, कभी अंदर होते कभी बाहर। 2006 में ये इंग्लैंड में वूस्टरशियर काउंटी की ओर से खेले और उसके बाद उनके खेल में काफी बदलाव आया। एक नए सिरे से फिट जहीर खान भारत की टीम में लौटे और कई टेस्ट मैचेस में भारत को विजय दिलाई। 2007 में मेन प्लेयर रहे इंडियन टीम के लिए, जिताने के लिए टीम को। 2007 में इंडियन टीम ने इंग्लैंड को हराया 1986 की और पहली बार 21 साल के बाद। उनके खास से ये बॉल में, उसके बॉल में वर्क था, अंदर बाहर गेंद जो चाहिए, एक स्किल चाहिए वो थी उनके पास, इसी वजह से वो कामयाब हुए। 2010-11 में जब इंडियन टीम विश्व में नंबर वन टीम बनी टेस्ट क्रिकेट में भी, उसमें जहीर का बहुत बड़ा रोल था। का विश्व कप, जहीर खान भारत के बोलिंग अटैक को लीड कर रहे थे और प्रतियोगिता में सबसे अधिक विकेट लेने में सफल हुए। भारत की जीत के पीछे हम इस बात को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं।
2014 में जहीर खान ने आखिरी बार भारत के लिए नई बॉल फेंकने का क्रम संभाला, 51 ओवर डाले और 5 विकेट्स लिए। अगर आप सही माने में सोचें कि कौन मेंटर रहा है गेंदबाजों का मॉडर्न क्रिकेट में इंडिया में, वो है जहीर खान। जो भी उनके साथ खेला है, उन्हें सिखाया है, सबक पढ़ाया है, उनको इम्प्रूव कराया है। 300 जो विकेट्स लिए हैं उससे ज़्यादा दान उनका इंडियन क्रिकेट में ये रहा है कि जिस तरह से उन्होंने मेंटर किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहे हुए कपिल देव को 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आखिरकार अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी भी एक फास्ट बॉलिंग की परंपरा है। होनहार फास्ट बॉलर्स टीम में जगह बना रहे हैं और गौर करने की बात यह है कि पिछले 8-10 सालों में एक आध को छोड़कर ये सब छोटे छोटे शहरों और कस्बों से उभर कर आ रहे हैं। अब 2015 की वर्ल्ड कप की टीम को ही देख लीजिए ना, मोहम्मद शमी यूपी के मुरादाबाद में पले बढ़े, भुवनेश्वर कुमार यूपी के ही बुलंदशहर में, मोहित शर्मा हरियाणा के बल्लभगढ़ से हैं और उमेश यादव, उनका जन्म नागपुर के पास खापरखेड़ा में कोयले के खानों में काम करने वाले के घर हुआ। भविष्य में तेज गेंदबाजी का ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेट का भविष्य हमारे इन छोटे शहरों और कस्बों में छुपा है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं मिडविकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.